इंसान एक बहुत ही विचित्र प्राणी है, पर उससे भी ज़्यादा विचित्र हैं उसकी आदतें। कुछ आदतें किसी का बस शौक बन के रह जाती हैं और कुछ किसी में इस तरह तब्दील हो जाती हैं कि वो इंसान की पहचान ही बन जाती हैं। अब इन्हीं जनाब को देख लीजिए। पान की ऐसी तलब है कि हर दो घंटे में भागे चले आते हैं अपना काम छोड़कर। और एक ये मोहतरमा है, इन्हें अंगूठियां पहनना बड़ा पसंद है। अरे इन्होंने इनमें से एक भी अंगूठी आज तक नहीं उतारी। और ये जनाब तो अलग ही मालूम होते हैं, चलते चलते अचानक से अपने जूते चमकाने लगेंगे। अब अभी देख लीजिए, अरे इन्हें अपने जूते पे धूल का एक कण भी नहीं बर्दाश्त है। अब ये साहिबाएं हर वक्त किताबों में ही डूबी रहती हैं, किताबों में ही सोती हैं और उन्हीं में जगती हैं। अरे इनका बस चले तो इन्हें खा भी लें। और ये जनाब इस कथानक के प्रमुख पात्र मालूम होते हैं। आइए इनके बारे में भी कुछ मालूमात करते हैं। मुझे पैसा ही मांगते, पैसा तो गा के पैसा मांगते, तो मुझे उसकी आवाज अच्छी लगती थी, तो वो उसकी आवाज़ अच्छी, मैं उसके पीछे पीछे बहुत दूर जाता था। वो सुन सुन के उस फकीर को तो गाने का मुझे शौक पैदा हुआ था। यहाँ ये बड़ी अच्छी आपने बात बताई। आप ये बताइए कि उस वक्त किस गायक कलाकार ने आपको बहुत मुतासिर किया? नहीं, जैसे मैं आपकी गीत सुनता मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। आपको बचपन में कोई ऐसा गायक Businessman of the Year award goes to Mr. Ram Mehta. Thank you, Mr. Chandekar. It's been a long journey. I started out as a small entrepreneur, but always dreamt big. There have been lows, but I believed in myself. A lot of people, my friends and my colleagues, have contributed to my success. But a special person to whom I would like to dedicate this award is my wife, Monica. She has always been there with me, always inspiring me to go beyond the ordinary. This is for her. Thank you. सौरभ भाई का एक्टिंग करता है। हाँ भाई, मैंने भी देखा, अभी लास्ट टाइम क्या बुढ़ा बना था, अभी बिजनेसमैन बन के कर रहा है। लास्ट टाइम से तो अच्छा इस बार का लगा मुझे। सही है। अरे वो चरणदास चोर में क्या बना था वो?
एकदम अरे किधर वो मतारा कभी बन के आता कभी कुछ भी बन के आता। सही है सही एकदम, अपने जैसे जैसे प्ले होते जा रहे हैं उसका वैसे वो एकदम और भी अच्छा एक्टिंग करने लगा। मीरा जी जरा इधर आना, ये क्लिप निकाल देना किसी के पांव के निशान की तरह कुछ अधूरा हम सबकी कहानी में होता है, कुछ अनसुना कुछ अनकहा अनछुआ सा। जिसे हम अपने आप से भी छुपाना चाहते हैं, किसी के आंसू किसी की मुस्कुराहट किसी का दर्द किसी की दुआ
जाने कितने मन इस रेगिस्तान के सीने में दबे हैं, जहां वो सदियों से दफन है। बस एक हवा का झोंका कभी तो आएगा, जो किसी का राज खोल और किसी का छुपा जाएगा। Congratulations, Mr. Ram Mehta, Businessman of the Year. निरंजन दादा, वो बोतल मिल जाएगी क्या? अरे स्वरूप भाई, बिंदास लेके जाओ ना। ए सचिन, वो बोतल लेके आ रहे। तो ये दिल कुछ गुनगुना
दुबले पतले बदन पर हरे रंग की कागजी साड़ी, किसी जगह फूली हुई, किसी जगह दबी हुई। इसका क्या करना है? अब इसका यहां क्या काम? ये भी दे दो। एकदम मेरी आंखों के सामने एक खाली बोतल आ गई, बारीक कागज में लिपटी हुई। मेरा औरत थे बिल्कुल खाली, लेकिन हो सकता है एक शून्य ही दूसरे शून्य को पूरा करता है।